इधर घूमो। गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे सुबह के 11 और आज हम बहुत लेट उठे थे। मेरा उठने में ही 8:30 बज गया था, तो घर का जल्दी जल्दी काम खत्म किए ही थे, फ्रेश होने जा रहे थे, लेकिन आरब के पापा का तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, सो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो चलिए अभी चलते हैं। हम और आरब के पापा ही जाने वाले थे, लेकिन मम्मी बोल रही कि हम आरब को रखने नहीं सकेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, तो उसको भी अभी लेके हम लोग को जाना पड़ेगा। आ रहे हो? देखिए पीछे दोनों आ रहे हैं, तो अभी चलिए चलते हैं डॉक्टर के पास। पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेंगे, हमको तो लग रहा है जितना कि सुई तो लगाना ही पड़ेगा। क्या इंजेक्शन लगवाएंगे? इंजेक्शन लगेगा? अरे मेरे को थप्पड़ मार दिया यहाँ पे, ऐसे करके थप्पड़ का मुक्का मार दिया, यहाँ ऐसे दर्द दे रहा है और मार दिया उल्टा यहाँ पे। तुम्हारा हेलमेट जो टूटा ही रहेगा, कब से बोल रहे हैं? ये मेरा हेलमेट ले लेंगे हेलमेट। हम लोग अभी तक द्वारित से निकले भी नहीं थे, ये बोल रहे कि पेट्रोल नहीं है, गाड़ी बंद हो जाएगा, अभी तुरंत हम लोग को जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप। Sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back, what's my purpose? अरे हम लोग पहुंच गए पेट्रोल पंप, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है गाइस और हम अभी पहुंच गए हैं मेडिकल। तो यहीं पे दिखाते हैं, मेडिकल नहीं है डॉक्टर घर तो। और ये देखिए चिल्ला रहा है, क्या हुआ? बॉल देखा है यार। ये देखिए गाइस, ये है ऑक्सीजन मास्क, सर्दी वगैरह होने से दिया जाता है। आरू भी लिया था? नहीं, एक ही बार लिया था ना। डॉक्टर घर में बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस, और देखिए अभी एक दो पेशेंट के बाद मेरा नंबर है। पापा को भी सुई देंगे, पता है पापा को भी सुई देंगे। बोले डॉक्टर चेकअप वगैरह तो हो गया, डॉक्टर बोल रहा ठीक हो जाएगा, मौसम के कारण वैसा हो रहा है। अच्छा, दांत का क्या बोले? दांत का बोले दवा दे देंगे ठीक हो जाएगा। दांत के लिए मेरे को डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, और डेंटिस्ट क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा, तो मेरे को ऑपरेशन नहीं करवाना है। क्या बोल रहे हो? डॉगी हागी नहीं डॉगी डॉगी इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक ऑरेंज ORFL प्लस। अरे अभी सामने वाला दीपक वैरायटी स्टोर पहुंच गए हैं, और यहां से भी हम ले लेंगे आरव के लिए स्लाइस, तो चलिए ले लेते फटाफट। और ये दो फ्रूटी भी ले लिए हैं गाइस आरव और आरव को मम्मी के लिए। लो, और ये मेडिसिन भी आ गया गाइस, चलिए अब चलते हैं घर फटाफट। और देखिए फ्रेंड्स, आरव कैसे फ्रूटी पी रहे हैं, पियो पियो। और यहाँ पे अभी हम लोग गाइस रुक गए हैं अमरूद लेने के लिए, तो ये देखिए ताज़ा अमरूद मेरे को मिल गया है, और अभी हम लोग अमरूद ले लिए हैं। पहुँच गए फ्रेंड्स, और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ये देखिए आरब सो गया है, जाओ इसको अंदर ले जाओ। तो चलिए अभी मेडिसिन निकाल लेते हैं, मेडिसिन डिक्की में ही है। डॉक्टर घर से आने के बाद सब खा पी के सो गए थे, और अभी हम लोग उठते साथ ही रेडी हो गए हैं क्योंकि अभी हम लोग को जाना है फिर से वही यूनिफॉर्म हाउस। मेरा यूनिफॉर्म तो लिए नहीं, और कल तो मैम एकदम से बुलाई है, कुछ काम था, तो क्या करेंगे, रसीद लेके जाएंगे, और क्या क्या सिलने दिए हैं इतना लेट हुए। चलिए अभी चलते हैं जल्दी से। फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं यूनिफॉर्म हाउस, सब कुछ खुला हुआ, सभी दुकानें खुल चुके हैं आज, कल 15 अगस्त था उसी लिए कल नहीं खुला हुआ था। इधर घूमो, इसको भी पहन के देख लो, अब ठीक लग रहा है, कोट को ऊपर से ठीक लग रहा है, अब थोड़ा चेंजेस लग रहा है। देखें ड्रेस वगैरह हम लोग का लेना हो गया है, और यहाँ पे अभी हम लोग लोगो लगवाने आए हुए हैं। लोगो लग जाने के बाद सीधे हम लोग थोड़ा कुछ खाएंगे क्या, और उसके बाद घर। और इनका ड्रेस वगैरह हम लोग फिटिंग करवाने दिए थे, तो फिटिंग हो गया है। यूनिफॉर्म हम ड्रेस बोल दे रहे नहीं,
एंड अभी हम लोग मिस्टी पहुंच गए और मिस्टी के बगल में ये देखिए कुल्फी है। तो अभी हम लोग आरू को कुल्फी खरीद दिए हैं, देखिए 20 वाला कुल्फी खरीद दिया। देखिए कैसे खड़ा होकर खा रहा है और कहाँ देख रहा है, देख रहे हैं कैसा है कुल्फी, अच्छा है ना, मस्त है मस्त। यहाँ पे हम लोग फ्रूट खाने रुक गए थे लेकिन बारिश चालू हो गया। टेस्ट अच्छा है अनानास का, मीठा है मीठा है, आरब भी खा रहा। देखिए गाइस घर जा ही रहे थे कि गाइस ये देखिए आरब बलून बलून नहीं बॉल खरीद लिया, देख रहे हैं कितना लिया बॉल का, हाँ आरब बॉल को फोड़ देंगे क्या घर जाके, इसका हाथ में ये बॉल अभी घर जाते ही फट जाएगा। एंड देखिए फ्रेंड्स भानु घर आते ही देखिए अपना यूनिफॉर्म पहन लिए, मेरे को तो ठीक ही लग रही है, मतलब मेरे को तो अच्छा ही लग रहा देखने में, जीन्स के साथ देखिए जीन्स के साथ ठीक ही है और क्या करेगी, कॉलेज ड्रेस ऐसे ही होता है ना। और इसका पैंट सिलाने दी हुई है, देखिए शर्ट भी अच्छा ही लग रहा मेरे को, और ये है कोट है इसका और ये है लोगो और यहाँ पे स्कूल लिखा हुआ देखो, दी ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज स्कूल कॉलेज उसी लिए ठीक है। और फाइनली अभी हम लोग घर पहुँच गए और भीगते भीगते हम भी भींगे हैं, खाली तुम अकेले भींगी है, आपका सब भींगा है, मेरा देखिए मेरा हेलमेट आ रहा है ना, मेरा तबीयत खराब है नहीं तो हम इनको हेलमेट दे ही देते हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा और इनका न्यू ड्रेस कैसा है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सॉरी गाइस ड्रेस बार बार मतलब मुंह से निकल जा रहा है यूनिफॉर्म, तो कैसा लगा वो भी कमेंट करके जाकर जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल।